सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2017 बैच के लिए परमानेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का शेड्यूल जारी हो चुका है और यहाँ पर 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 3 दिन हमें यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट फिल करने का ऑप्शन दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र ड्राइव का पूरा शेड्यूल दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ की लिस्ट। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ की लिस्ट है, इसको आप फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीन शॉट लेकर आप अपनी वैकेंसीज़ को इसमें देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं प्रोसेस को। इसके लिए हम गूगल या क्रोम पर जाएंगे और वहाँ पर हम MIS टाइप करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये वाली स्क्रीन आती है। इसमें भी हम सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी डाल के साइन इन कर लिया और साइड में दिए गए जो ये नीली पट्टी है यहाँ पर लास्ट सेकंड ऑप्शन पर डिस्ट्रिक्ट चॉइस प्रेफरेंसेस पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखते हैं साइड में यहाँ इस तरह से ऊपर हमारी सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पर नीचे इस तरह से हमारे बैच के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन है, इसको आप देखिए। और यहाँ पर ट्रांसफ़र से संबंधित एक मेल आईडी भी दी गई है जिस पर हम अपनी समस्या से संबंधित शिकायत या कोई हमारी क्वेरी है तो उसके लिए हम यहाँ पर मेल आदि भी कर सकते हैं। अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन पर ऐड प्रेफरेंसेस आ जाते हैं। यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ हम अपने, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है अंबाला और इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद ये साइड में या नीचे एक ऐड का बटन आ जाएगा, आपको यहाँ पर ऐड करना है। और इस तरह से हम अपनी चॉइस की एक लिस्ट यहाँ पर पहले से ही तैयार करके और तब अपने डिस्ट्रिक्ट फिल करते हैं तो बहुत ही आसान रहता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट की चॉइस हम ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइप करके भी हम इसको ऐड करते जा सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे और जैसे ही हमारे 21 डिस्ट्रिक्ट की चॉइस पूरी हो जाएगी, आप देख सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट को आगे पीछे करने का और रिमूव करने का भी यहाँ पर ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं अगर सोनीपत और करनाल को हमें ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके स्विच डाउन या स्विच अप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से रिमूव करना है तो साइड में आप देख सकते हैं रिमूव का भी ऑप्शन है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी दी गई हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। और जैसे ही आपके 21 डिस्ट्रिक्ट पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में दिए गए सेव प्रेफरेंसेस पर आप क्लिक करके अपने ऑप्शंस को सेव कर सकते हैं। और सेव प्रेफरेंसेस करने के बाद आप ऊपर दिए गए यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड फाइल का ऑप्शन भी है। यहाँ से आप अपनी इस लिस्ट को जो आपने प्रेफरेंसेस भरे हैं उस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।